सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. मैं सेल्फ अभिषेक सैनू एंड वेलकम टू अभिषेक सैनू ब्लॉग. सो अभी जस्ट यहाँ मैं अपना क्लास अटेंड कर रहा था, बस कुछ कुछ पढ़ रहा था, और अभी हमें नोटिफिकेशन मिली है कि CUET का रिजल्ट अभी जस्ट रिलीज हुआ है. सो अभी जल्दी जल्दी से मैं समर्थ की वेबसाइट पे हूँ. यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी डालता हूँ. मेरा भाई का है, मेरा तो चलो नीट का था, अब मेरा भाई यहाँ पे मेरे साथ ही पढ़ रहा है ये भी. सो अभी यहाँ पे जल्दी से रिजल्ट चेक करते हैं और देखते हैं हमारा क्या स्कोर बना है. मतलब काफ़ी डर सा भी लग रहा है और वेबसाइट भी काफ़ी स्लो थी, खुल ही नहीं रहा, बस ऐसे गोल 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 सा घूम रहा है, देख सकते हो यहाँ पे. सो अभी मैं यहाँ समर्थ की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे मेरा पता नहीं इंटरनेट थोड़ा स्लो है, क्या है, लॉड नहीं ले रहा है सही से. सो अभी जल्दी जल्दी से करते हैं, देखते हैं क्या होता है. जल्दी से अपना लॉगिन क्रेडेंशियल निकालो, लॉगिन आईडी बताओ कितना है. सो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास. सो जल्दी जल्दी यहाँ पे हम अपनी लॉगिन आईडी डालते हैं, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जल्दी जल्दी से पुट करते हैं और फिर सिक्योरिटी डाल के एप्लीकेशन नंबर लॉग इन करेंगे. एक मिनट में अपना बताता हूँ मेरा लॉगिन एप्लीकेशन नंबर क्या है. सो ये मेरा है CUET का एडमिट कार्ड, इसमें पूरा सारी डिटेल्स है, इसको जल्दी से इसमें फिल करते हैं. 2 3 5 1 1 5 4 5 7 5. यहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, बट पासवर्ड मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या पासवर्ड रखा. सो अभी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना पासवर्ड एंटर करते हैं. आई थिंक ये डेट ऑफ बर्थ ही मेरा पासवर्ड होना चाहिए. सो देखते हैं अभी ये खुलता है या नहीं. यहाँ पे मेरा पासवर्ड मैच नहीं हो रहा और मुझे याद भी नहीं मेरा पासवर्ड क्या था. सो अभी मैं निकालता हूँ अपना एप्लीकेशन नंबर जिसके पीछे पासवर्ड मैंने लिख रखा था. सो आई होप मेरा पासवर्ड पता नहीं क्या था, Kota@123 इस टाइप से कुछ था. सो अभी मैं ये Kota@123 डाल के देखता हूँ, शायद पता नहीं वो शायद मेरा नीट का पासवर्ड था या फिर CUET का था. सो एप्लीकेशन नंबर अभी मैं निकालता हूँ, सो उसी से मुझे पता चल पाएगा मेरा पासवर्ड क्या था. सो यहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन का जो पेज होता है वो निकाल लिया है, बट यहाँ पे मुझे मैंने सोचा कि मेरे पीछे में पासवर्ड लिखा होगा, बस यहाँ पे मुझे कहीं पासवर्ड दिख ही नहीं रहा. सो मुझे यहाँ पे कंफर्म ही नहीं है कि मेरा पासवर्ड क्या है और अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे. सो मैं ट्राई करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड डाल के, आई थिंक ये खुल जाए ये. सो मैं पहले डाल रहा हूँ यहाँ पे Kota@123 का ऑप्शन. सो आई होप कि खुल जाए. सो पासवर्ड रिसेट करने के लिए हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पर पूछा गया था, या फिर वेरिफिकेशन भेजा जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे. तो ये मैं बेटर ऑप्शन चूज करता हूँ. अब हमें यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है जो कि वेरिफिकेशन के लिए हमें भरना पड़ेगा डिटेल्स. सो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे हमें फिर OTP मिलेगा. सो इसको जल्दी से पुट करते हैं. सो यहाँ पे पासवर्ड मैंने फिल कर दिया है और यहाँ पे हमें सो गाइज ऑल सेट एंड दिस आई एम गोइंग फॉर माई लॉग इन. सो मैंने यहाँ पे लॉग इन अटैम्प्ट कर लिया है और यहाँ पे मेरा लॉग इन भी हो चुका है और पासवर्ड सेव कर देता हूँ. और यहाँ पे हमें रिजल्ट कार्ड पे क्लिक करना है और हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा. सो देखते हैं, अभी क्लिक करते हैं इसको जल्दी से. लिटरली मुझे काफ़ी डर लग रहा है, मतलब होना तो कुछ नहीं है रिजल्ट से, बट फिर भी मुझे डर तो लग ही रहा है. डर लग रहा है मुझे, आई थिंक कुछ अच्छा अच्छा हो. और टोटल मार्क्स कहाँ दिख रहे हैं मुझे, टोटल मार्क्स कहाँ दिख रहे हैं, कैलकुलेट करना होगा क्या एक एक करके. हाँ तो एक बार हम देखते हैं फिगर में टोटल परसेंटाइल स्कोर और बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जनरल टेस्ट और इंग्लिश. सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में आए हैं, नहीं परसेंटाइल कम है बट नंबर तो ज़्यादा है. अब परसेंटाइल कम है और 200 का था तो 125 ही आए. बायो में मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 95 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 90 और फिजिक्स में मात्र 84, 90 परसेंटाइल के पास है और जनरल टेस्ट में 71. तो इसको एक बार कैलकुलेट करो कितना हो रहा है टोटल. आई थिंक 112, 200, एक 300, एक 400, एक 500, 600, लगभग 6-6.5 के आसपास आ रहे हैं आई थिंक. अभी कैलकुलेट करता हूँ फिर देखता हूँ. सो हमने यहाँ पे मार्क कैलकुलेट कर लिया है. सो हमारे मार्क 600 भी नहीं बन रहे हैं, 579 है.
और आई थिंक बी एस सी एग्रीकल्चर अगर मुझे करना है सो उसकी कट ऑफ 500 प्लस या 530 प्लस थी। सो यहाँ पे जो कि हमारा यहाँ पे कॉलेज का डिटेल्स मैंने भरा था कि बीएससी एग्रीकल्चर या जो भी ऑनर्स ऑनर्स के लिए जो भी था एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या ऑनर्स जिसके लिए भी करना था हमें वो आई थिंक वो सब मिल सकता है मुझे, सारा तो नहीं बट हाँ कुछ कुछ मिल सकता है, जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हमें करना था आईसीएआर से। सो वो थोड़ा सा टफ है, अभी तो हमें पता नहीं है कट ऑफ क्या जा सकती है, बट जो भी हो देखते हैं। अभी हमारा स्कोर ये 579 है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से लगभग कम ही है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट चलो फिर भी मैंने तो ऐसे मज़े मज़े में दिया था एग्ज़ाम, अब जो भी हो ठीक ही है।